Okay, good morning students. Today we are going to start with the new chapter banking. Banking chapter mein bete do parts mein ye divided hai, commercial bank and central bank. Theek hai, to commercial bank mein hume sirf main ek credit creation function jo hota hai commercial banks ka wahi karna hai, but before that we are going to start with the meaning of commercial banks. So bete, commercial banks are those financial institutions which perform two main functions, that is of accepting deposits and advancing loans, right? Commercial banks are the financial institution which perform two main functions, that is it accepts deposits from the public and gives them loan for the various purposes, right? So let us see these two basic functions, primary functions of commercial banks, which are accepting deposits and advancing loans. So coming to the accepting deposits, so bete, commercial banks, it accepts deposits from the general public. Those who have surplus money, they can deposit their money with the commercial banks. ठीक है, तो अलग अलग तरह के वो डिपॉजिट जो है खोल सकते हैं बैंक में. यू हैव रेड अबाउट दीज डिपॉजिट इन योर प्लस वन एज वेल. दीज टाइप ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट विच द पब्लिक कैन ओपन इन द बैंक आर करेंट अकाउंट. सो वेरी ब्रीफली आपको पता ही है बेटे, करंट अकाउंट जनरली बिजनेसमैन खोलते हैं जिनको न्यूमरस ट्रांजैक्शंस करनी है. इसके ऊपर बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, रादर कुछ चार्जेस अगर देता है तो नॉमिनल इंटरेस्ट देता है, रादर इसके ऊपर कुछ चार्जेस वो ले सकता है. सेकेंडली बेटे, सेविंग अकाउंट जो कि जनरल पब्लिक, स्मॉल सेवर्स या सैलरीड पर्सन खुलवाते हैं, ये भी करंट अकाउंट जो है ये डिमांड डिपॉजिट है, चेकेबल डिपॉजिट है, यानी हेयर द मनी कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड. सेविंग अकाउंट इज ऑल्सो अ डिमांड डिपॉजिट, हेयर ऑल्सो द मनी कैन बी विदड्रॉन ऑन डिमांड. दीज आर ऑल्सो चेकेबल डिपॉजिट. चेकेबल डिपॉजिट का मतलब इनके साथ आपको एक चेक की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज आर चेकेबल डिपॉजिट, बोथ आर डिमांड डिपॉजिट, बट हेयर there are certain restrictions on the withdrawal of money. Here interest is given, but this interest is it keeps on changing with the rules and regulations of the government, and it is less than the recurring and fixed deposit accounts. Third one is recurring deposit account, jisko hum normally RD account ko keh dete hain. To RD mein ek fixed period of time ke liye hota hai aur ek fixed amount, jitni bhi aapki stipulated amount hai, that has to be deposited for the specified or stipulated period of time, and after that period of time is over, you will get the lump sum money along with the interest thereon. Here the interest is better than the saving account. Then last is fixed or term deposit accounts, which are there with the bank for the fixed period of time. Here it is, these are non checkable, non demand deposits account. Yahan par hum money on demand withdraw nahi kar sakte hain. ठीक है, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है बेटे वो हमें एज कंपेयर टू अदर थ्री अकाउंट्स ज्यादा मिलता है. क्लियर? नाउ कमिंग टू द अनदर फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक व्हिच इज एडवांसिंग लोन. सो बैंक्स दे ग्रांट लोन्स, द लोन्स मे बी ऑफ वेरियस टाइप्स. वन इज ए कैश क्रेडिट. ठीक है, कैश क्रेडिट क्या होता है बेटे? कैश क्रेडिट जो है दिस इज जनरली अगेंस्ट करेंट एसेट्स ऑफ दी फर्म्स. जो फर्म के करेंट एसेट्स होते हैं जैसे कि स्टॉक्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल्स हो गए, उसके अगेंस्ट जो है लोन दिया जाता है फर्म्स को. कैसे दिया जाता है? लेट अस सपोज 10 लाख का लोन दे दिया, तो 10 लाख रुपए बैंक आपके अकाउंट में डिपॉजिट करा देगा. उसमें से हो सकता है आपको 2 लाख की जरूरत पड़ी, हो सकता है आपको 3 लाख की जरूरत पड़ी या 8 लाख की जरूरत पड़ी. तो जितनी भी अमाउंट आपने विदड्रॉ करी अपने अकाउंट में से, बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा. गॉट इट?
इवन दो वॉट एवर यू रिक्वायर यू गिव योर रिक्वायरमेंट टू द बैंक और आपने एक सिक्योरिटी बैंक के साथ रख दी अगेंस्ट दैट फिजिकल सिक्योरिटी बैंक आपको कैश क्रेडिट देता है. पहली बात याद रखनी है, बिना सिक्योरिटी के आपको कैश क्रेडिट नहीं मिलता. दूसरी बात, अगर आपने 10 लाख का कैश क्रेडिट लिया है तो उस केस में आपने अगर 10 लाख विदड्रॉ करा ली अपने अकाउंट में से तो 10 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा. लेकिन अगर आपने 4 लाख या 6 लाख विदड्रॉ कराए हैं तो जितनी अमाउंट विदड्रॉन है उसके ऊपर ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट होता है बेटे डिमांड लोन्स. डिमांड लोन्स वो होते हैं जो कि बैंक देता है लेकिन ऑन डिमांड ये वापस भी मांग लेता है. राइट, नेक्स्ट इज बेटे टर्म लोन्स. इट्स क्लियर फ्रॉम द नेम, टर्म लोन्स आर देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. दीज आर ऑल्सो अगेंस्ट सर्टन सिक्योरिटी. बिना सिक्योरिटी के लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा क्योंकि जितनी ड्यूरेशन लोन की ज्यादा होती है उतना बैंक के लिए रिस्क ज्यादा होता है. ठीक है, तो अगर आपको लेट अस से आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है और आपने टर्म लोन ले लिया तो आपका बिजनेस का लैंड या कोई भी मशीनरी आपको मॉर्गेज करनी पड़ेगी. ठीक है, नेक्स्ट है बेटे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. इसके बारे में भी आप अवेयर हैं. इट इज द फैसिलिटी व्हिच इज गिवन अगेंस्ट द करंट डिपॉजिट अकाउंट. ठीक है, तो अगर एक बिजनेसमैन का करंट अकाउंट है एक बैंक में और उसकी रेपुटेशन जो है वो काफी अच्छी है, उसका लेन देन जो है बैंक के सामने ही है, सब कुछ उसकी न्यूमरस ट्रांजेक्शन होती है अच्छी अमाउंट की होती है और उसकी अच्छी एक इमेज गुडविल बनी हुई है, तो उस केस में अगर वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की डिमांड करता है बैंक से, बैंक उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है. ये क्या फैसिलिटी होती है? ये ऐसी फैसिलिटी है कि अगर एक बिजनेसमैन के अकाउंट में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसको लेटर से 6 लाख की जरूरत है या उसको किसी को पेमेंट करनी है 6 लाख रुपए की. अगर आपके अकाउंट में 5 लाख है और आप 6 लाख का चेक काट के दे दो को किसी को, वो अपने बैंक में जाके इसको इन कैश कराएगा तो वो कहेगा भी 6 लाख का जिसने आपको चेक काट के दिया ना उसके अकाउंट में तो 5 लाख है, तो आपका वो चेक डिसऑनर हो जाएगा. ठीक है, डिसऑनर होने का मतलब आज के टाइम पे चेक का डिसबाउंस हो जाएगा. ठीक है, तो हम टेक्निकल टर्म्स में इसको कहते हैं डिसऑनर. तो आज के टाइम पे बेटे लीगली इट इज अ क्राइम चेक का डिसऑनर होना. इसके ऊपर आपको कुछ पनिशमेंट भी होती है. ठीक है, इट्स अ लीगल ऑफेंस काइंड ऑफ थिंग. तो अगर आपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेल की हुई है, पहली बात ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपकी गुडविल के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरी बात कितनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी ये भी डिपेंड करता है आपके बिजनेस के वॉल्यूम के ऊपर. ठीक है, सो लेट अस से आपको आपके बैंक ने 1 लाख की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दी है, इसका मतलब आपके अकाउंट में अगर आप 5 लाख रुपए हैं तो आप 6 लाख तक भी यूज कर सकते हो. अब इस केस में अगर आपने जिस पर्सन को 6 लाख का चेक काट के दिया है वो डिसऑनर नहीं होगा क्योंकि वो बैंक इमीडिएटली देगा, देख लेगा कि 5 लाख तो इसके अकाउंट में अपने पड़े हुए हैं, 1 लाख का बैंक ने इसको ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है. ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट नाम ही कहां से बना है, ओवरड्रॉ करना. ठीक है, ओवर एंड अबव योर अकाउंट आप जब मनी विदड्रॉ करते हो. अब ओवरड्राफ्ट में भी आपको किसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ेगा, टू द अमाउंट व्हिच हैज बीन विदड्रॉन बाय यू. इज इट क्लियर? ठीक है, देन नेक्स्ट इज बेटे डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ये आई गेस आपने प्लस वन में अकाउंट्स में किया हुआ है. आपके पास आपने किसी को उधार पे पैसा दिया था, उसने आपको बिल दे दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज, कमर्शियल बिल भी जिसको हम कहते हैं, वो दे दिया. वो 3 मंथ्स के बाद मैच्योर होना है लेकिन आपको आज पैसों की जरूरत पड़ गई. यू विल गो टू द बैंक, बैंक विल डिस्काउंट इट. डिस्काउंट मीन्स कुछ पैसे काट लेगा और आपको वो बिल आपका रख लेगा मैच्योरिटी पे, उससे ले लेगा पेई से और इस टाइम पे आपको वो कुछ इंटरेस्ट काट के जिसको हम डिस्काउंट कहते हैं बाकी की मनी दे देगा. दिस इज अ काइंड ऑफ लोन फैसिलिटी बाय द बैंक. सो कमर्शियल बैंक्स हैव दीज टू मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन.
नाउ वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बैंक जो हमने कहा एडवांसिंग लोन, ठीक है, उसको हम क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक भी कहते हैं. सो ये जो फंक्शन है ये हमारे सिलेबस में है, क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ठीक है. तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है बेटे? क्रेडिट क्रिएशन इज बेसिकली द पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. यू कैन राइट इट डाउन. क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन रेफर्स टू द पावर ऑफ द कमर्शियल बैंक्स टू एक्सपैंड क्रेडिट और सेकेंडरी डिपॉजिट्स मेनी मोर टाइम्स मेनी मोर टाइम्स द प्राइमरी डिपॉजिट्स through the process of making loans, through the process of making loans. Credit creation या money creation, see in yesterday's lecture we did that in our country there are three suppliers of money. One RBI being this having the sole authority of note issue, ये currency note छापती है, तो बच्चे बच्चे को पता है कि RBI money की supplier है. दूसरा government of India, क्योंकि 1 rupee का note जो है वो government of India छापती है, so again it is a small contributor to the money supply. But what we do not know is that commercial banks are also the suppliers of money. They do not print money. They do have no such authority to print currency note. But through the process of credit creation, okay, through the process of giving loans, they can expand money supply in our country. Right? तो अभी तक आपको लगा होगा ठीक है मैंने जो पैसे जमा कराए हुए बैंक में उसके बेसिस पर बैंक कुछ पैसे, अगर एक बैंक के पास सपोज कर हम सबके मिलके 1000 रुपए पड़े हैं, 1000 करोड़ रुपए पड़े हैं, तो बैंक अपने पास 10 करोड़ रुपए रख लेगा या 100 करोड़ रुपए रख लेगा, 900 करोड़ का लोन दे देगा. तो इन दिस वे कमर्शियल बैंक ने 900 रुपए की मनी क्रिएट की. नो बेटे, नाउ वी विल स्टडी that these banks, commercial banks, have the power to create credit, to create money in the economy many more times the primary deposits in the country through the process of making loan. यानी अगर 1000 रुपए बैंक के पास हैं तो बैंक उस 1000 के ऊपर 10,000 का लोन दे सकता है. कैसे देगा? ये इसकी जो पावर है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. उसके लिए कुछ पहली बात, दो assumptions हमें लेनी पड़ेंगी. पहली, that the entire banking system in countries considered as a unit, पूरे banking unit को हम एक banking system को एक unit की तरह consider करेंगे, उनको banks का नाम देंगे, ठीक है. दूसरी बात, हमें ये assume करना पड़ेगा कि जितनी भी transactions economy में हो रही है, लेन देन हो रहा है, that is rooted through banks. ठीक है, entire banking system is considered as a unit and all the transactions are rooted through banks. ठीक है, अब credit creation function को समझने के लिए you need to know about two terms or rather three terms. First term is primary deposit. What are primary deposits? अभी तक हमने deposits को classify किया from the viewpoint of people. आपने अपने viewpoint से, public के viewpoint से देखा कि आपको bank में account खुलवाने जाना है,
तो आपको करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आरडी या एफडी अकाउंट कौन सा खुलवाना है। तो आपने डिपॉजिट्स को क्लासिफाई किया फ्रॉम योर यूटिलिटीज व्यू पॉइंट। बैंक के पास जब पैसा आ रहा है तो बैंक उसको क्लासिफाई करता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बैंक के पास जो पैसा लोग जमा कराते हैं कैश की फॉर्म में या इवन चेक की फॉर्म में, ठीक है, उसको बैंक्स कहते हैं प्राइमरी डिपॉजिट्स। सो प्राइमरी डिपॉजिट्स आर द प्राइमरी मेन बेसिक, ठीक है। आप बैंक में गए, आपने 100 रुपया जमा कराया, ये बैंक का प्राइमरी डिपॉजिट है, ठीक है। मेरे को सैलरी मिली, मैंने बैंक में चेक जमा कराया, वो प्राइमरी डिपॉजिट है। आजकल आपको मालूम है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो जाता है, ईसीएस हो जाता है, तो हमारी सैलरी डायरेक्ट हमारे बैंक में डल जाती है, तो वो क्या है बैंक के लिए, क्या है वो प्राइमरी डिपॉजिट है, ठीक है। सो द मनी विच इज डिपॉजिटेड बाय द पर्संस ऑन देयर ओन फॉर द बैंक, इट इज प्राइमरी डिपॉजिट, राइट। सो लेट अस से एक बैंक के पास 1000 करोड़ रुपए का डिपॉजिट है, राइट। अब आपको क्या लगता है बैंक 1000 का 1000 रुपए लोन दे दे? शुड द बैंक गिव अवे ₹1000 इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड नॉट कीप एनीथिंग विद इटसेल्फ? बेटे वन थिंग, बैंक्स फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस दे नो दैट Not all of you will, suppose करो हमारी पूरी क्लास के मिलके 1000 रुपए बैंक में जमा है। अब बैंक को ये पता है एक ही टाइम पे सारे बच्चे सारी अमाउंट विदड्रॉ कराने नहीं आएंगे, यानी बैंक इन पैसों को खर्च सकता है, लेकिन कुछ बच्चे आ सकते हैं अपने सारे पैसे लेने या कुछ पैसे लेने, तो इसका मतलब बैंक के पास कुछ लिक्विडिटी होनी चाहिए। सारा का सारा दे देगा, बैंक के लिए आपका पैसा लाइबिलिटी है, तो जब भी आप मांगने जाओगे बैंक आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तो बैंक के पास कुछ अमाउंट लिक्विड फॉर्म में हर टाइम होनी चाहिए, सारी की सारी अमाउंट। फिर आप बोलो अच्छा मैम सारी की सारी रख ले, के पर बैंक को यह भी पता है कि सब लोग एक ही टाइम पे सारा पैसा निकलवाने नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बैंक अपने डिपॉजिट का कुछ पार्ट इन द लोन को देने के लिए यूज कर सकता है, कुछ पार्ट उसको लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा। सेकेंडली, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं बेटे, उनके ऊपर एक टॉप मोस्ट अथॉरिटी होती है, वो है सेंट्रल बैंक, इन केस ऑफ इंडिया आरबीआई। तो क्योंकि बेटे लोगों की हार्ड अर्न्ड मनी कमर्शियल बैंक्स में पड़ी हुई है, और ये गवर्नमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या सेंट्रल बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये इंश्योर करना कि लोगों का ये पैसा जो है वो सेफ रहे, है ना। तो इसीलिए कोई बैंक फ्रॉड ना करे पब्लिक के साथ, कोई बैंक कल को एक कंपनी बना के और दौड़ ना जाए, ठीक है, लोगों का पैसा लेके। लोगों की मनी को सेफ करने के लिए सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक के ऊपर कंट्रोल रखा हुआ है। किस तरह से कंट्रोल रखा हुआ है? सेंट्रल बैंक हर कमर्शियल बैंक के लिए कंपलसरी करता है कि उसको अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज हमेशा आरबीआई के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक परसेंटेज या एक डिपॉजिट्स का फ्रैक्शन वो रखता है अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, दूसरा वो रखता है आरबीआई के साथ रखने को। इन दोनों की कलेक्टिव टर्म होती है लीगल रिजर्व रेशो, ठीक है। जो कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखते हैं उसको कहा जाता है स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR। स्टेट्यूटरी का मतलब लीगल, लीगली यू आर रिक्वायर्ड टू कीप सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, कैश की फॉर्म में आपको रखना पड़ेगा। दिस इज अगेन फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ओनली, गवर्नमेंट फिक्स करती है या SLR कितना रखना है, ठीक है। दूसरा जो है इसका वेरिएंट, दैट इज कैश रिजर्व रेशो, इट इज दैट परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स व्हिच ऑल द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड
to keep with RBI, central bank, at all the times. So collective term for SLR and CRR is known as legal reserve ratio. ये दोनों टर्म्स पता चल गई, ठीक है। अब आपके पास अगर प्राइमरी डिपॉजिट 1000 का है और लीगल रिजर्व रेशियो 10% है, 10% ऑफ 1000 इज 100, तो इसका मतलब आप 900 रुपए का लोन दे सकते हो। 900 रुपए आपके पास एक्सेस कैश रिजर्व्स हैं, ठीक है। सो द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डिपॉजिट्स एंड LRR आर द एक्सेस कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। इन एक्सेस कैश रिजर्व्स को वो क्या करेगा? एनीवन? एक्सेस कैश रिजर्व्स का बैंक क्या करेगा? 1000 रुपए हम लोगों ने मिलके कराए, 100 रुपए बैंक को अपने पास रखने हैं, 900 रुपए उसके पास एक्सेस बचा हुआ है। इस एक्सेस कैश रिजर्व का बैंक क्या करेगा? ओके, लोन की फॉर्म में दे देगा, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इट विल गिव टू द जनरल पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ लोन। ओके, नाउ यू टेल मी, अगर लीगल रिजर्व रेशियो बढ़ जाती है तो बैंक्स की लोन देने की कैपेसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफ लीगल रिजर्व रेशियो इंक्रीजेस टू से 15%, हाउ विल बी द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स बी अफेक्टेड? आपके पास 1000 रुपए हैं, आपको 150 रुपए रखने पड़ेंगे अब अपने पास। अब आप कितना लोन दे सकते हो? 850। ओके, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स विल डिक्रीज, राइट? सेकंड क्वेश्चन, तो इसका मतलब अब समझो इसको बेटे, आपने मेरे को खुद आंसर दिया। नाउ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स is inversely dependent upon legal reserve ratio, right? Higher the legal reserve ratio, credit capacity will be less, credit creation capacity will be less. Lesser the legal reserve ratio, more will be the credit creation capacity of the commercial banks. Secondly, agar primary deposits zyada hain, hamari class mein pehle 50 students the, to unhone milke 1000 rupees jama kara diye, ठीक है। अब स्टूडेंट्स का नंबर जो है वो बढ़ गया है, तो उनके प्राइमरी डिपॉजिट भी बढ़ जाएंगे। तो हाउ प्राइमरी डिपॉजिट्स विल अफेक्ट द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स? अगर प्राइमरी डिपॉजिट बढ़ जाता है तो क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर प्राइमरी डिपॉजिट बढ़ता है, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, और अगर प्राइमरी डिपॉजिट कम होगा तो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, विच मीन्स देयर एग्जिस्ट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी डिपॉजिट एंड क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो बेटे ये दो चीजें याद रखनी है, ये दो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर कमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी, यानी कमर्शियल बैंक ज्यादा क्रिएट कर पाएंगे, क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, या मनी क्रिएट कर पाएंगे, या कम क्रिएट कर पाएंगे, ये दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक प्राइमरी डिपॉजिट्स और दूसरा लीगल रिजर्व रेशियो। प्राइमरी डिपॉजिट्स के ऊपर ये पॉजिटिवली डिपेंड करता है और लीगल रिजर्व रेशियो के ऊपर ये नेगेटिवली डिपेंड करता है। All right, one more term you need to know, बेटे, that is secondary deposit. मैंने आपको बोला कि बैंक के पास 1000 रुपए हैं, बैंक ने 100 रुपए अपने पास रख लिए,
₹900 का बैंक ने जो है लोन दे दिया। जब बैंक लोन देता है बेटे, तो बैंक लोन कैश की फॉर्म में नहीं देता, ठीक है। वो क्या करता है, वो उसको या तो चेक काट के दे देता है या उसके अकाउंट में उतनी मनी ट्रांसफर कर देता है, उसके नाम का एक लोन अकाउंट खोल देता है, ठीक है, और उसके अकाउंट में उतनी मनी ट्रांसफर कर देता है। गॉट इट? ये जो अकाउंट खुला बैंक में, क्या ये लोगों ने अपने पैसे दे के खुलवाया? नहीं, ये जो बैंक, ये जो अकाउंट है, दिस हैज बीन बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी डिपॉजिट। मैंने जो अपनी सैलरी डिपॉजिट कराई थी, ठीक है, वो बैंक का प्राइमरी डिपॉजिट था। आपने बैंक से लोन मांगा, बैंक ने मेरी सैलरी निकाल के आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी, ठीक है। ये जो आपके अकाउंट खुला, राइट, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम माय डिपॉजिट बेसिकली, सो दिस इज नोन एज डेरिवेटिव डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट और डिराइव्ड डिपॉजिट, बिकॉज इट हैज नॉट बीन ओपन by the public by depositing their own money. These have been derived from the primary deposits. Okay, rest we will do tomorrow, bete. Have a nice day.